तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो एक बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर बताने वाला हूं, जिसमें आप जो फ्री फायर गेम को इजीली अपने 4GB और 8GB रैम वाले पीसी में प्ले कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको जो यहां पर नॉक्स प्लेयर एमुलेटर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर है एंड इसमें आप जो फ्री फायर मैक्स गेम को इजिली विदाउट एनी एरर जो अपने पीसी में प्ले कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको जो यहां पर नॉक्स प्लेयर एमुलेटर को कैसे इंस्टॉल करना है एंड इसमें फ्री फायर गेम को कैसे सेटअप करना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप जो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नॉक्स प्लेयर एमुलेटर का लिंक दे दूंगा, आप जो वहां से जाकर के इस एमुलेटर को डाउनलोड कर लेना। नाउ डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर इस एमुलेटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपको ये फाइल लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आपके लोकल डिराइव सी में इंस्टॉल होगा एंड अगर आप इसे और किसी फाइल लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करके यहाँ से जो फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पर इसे जो है सी डिराइव में एक न्यू फोल्डर में जो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। नाउ फाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ये एमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जो इंस्टॉल हो रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पर ये एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये डेस्कटॉप पर इसके दो शॉर्टकट आ जाएंगे। एंड अब आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ये एमुलेटर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये एमुलेटर लॉन्च हो चुका है एंड कुछ इस प्रकार से हमें जो यहाँ पर इस एमुलेटर का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो और यहाँ पर ये 80 पर या फिर 94 पर ये स्टक हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है गूगल को लॉगिन करने को बोल रहा है। तो अब अगर आप इसे लॉगिन करना चाहते हो तो आप जो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हो या फिर आप जो यहाँ पर इसे बाद में भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पर अभी इसे लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बाद में लॉगिन कर लूंगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन लेटर पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पर जो है एमुलेटर ओपन हो चुका है एंड कुछ इस प्रकार से हमें जो यहाँ पर इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसका एंड्रॉइड वर्जन देखें। तो यहाँ पर आपको टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड जाना है। तो यहाँ पर ये अबाउट टैबलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको जो ये एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 देखने को मिल जाता है, जिसमें आप जो इजिली फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स गेम को विदाउट एनी एरर जो प्ले कर सकते हो। तो अब आपको जो यहाँ पर इसमें गेम को इंस्टॉल करने से पहले क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सेटिंग ओपन हो जाएंगी एंड अभी आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो ये हिंदी लैंग्वेज में होगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको पहले इसे जो इंग्लिश लैंग्वेज में कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जनरल वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है ताकि यहाँ पर जो ये इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाए। एंड एमुलेटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पर अपने पीसी के हिसाब से यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर दोबारा से सेटिंग को ओपन करना है एंड अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सीपीयू कोर में अगर आपके पीसी में 2 कोर है तो आप यहाँ पर 1 कोर सेलेक्ट कर लेना एंड 4 कोर है तो आप यहाँ पर 2 कोर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं जो है यहाँ पर लो पर 1 कोर और 1GB रैम सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पर ग्राफिक्स रेंडरिंग मोड में क्या करना है कि अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आप यहाँ पर ओपन जीएल को सेलेक्ट कर लेना एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्स को सेलेक्ट कर लेना। नाउ उसके बाद यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जो यहाँ पर अपने पीसी के हिसाब से कोई भी एक रेजोल्यूशन रख लेना। तो मैं जो है यहाँ पर 1280x720 रेजोल्यूशन रख लेता हूँ। अगर आपके पीसी में 4GB रैम है तो आप जो यहाँ पर 960x540 वाला रेजोल्यूशन रख लेना। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर गेम वाली सेटिंग में आना एंड यहाँ पर आपको फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर इनेबल हाई फ्रेम रेट पर क्लिक करके यहाँ से जो 120fps तक को इनेबल कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डिवाइस वाले ऑप्शन में आना है एंड यहाँ पर आपको जो है ASUS ROG2 डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। नाउ उसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसी सेटिंग है वैसे रहने देना है। आपको सिंपली यहाँ पर सेव सेटिंग पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है ताकि यहाँ पर ये जो सेटिंग हमने की थी वो जो अप्लाई हो जाए।
एमुलेटर स्टार्ट हो जाने के बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे कि हम जो इसमें फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर टूल वाला ऑप्शन में जाना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है ये प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो यहाँ पर प्ले स्टोर पर क्लिक करके यहाँ से इसे साइन इन करके यहाँ से जो है फ्री फायर गेम को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास फ्री फायर गेम की एपीके फाइल पड़ी हुई है तो आप जो यहाँ पर एपीके फाइल को भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे पास एपीके फाइल पड़ी हुई है तो मैं जो यहाँ पर एपीके फाइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एपीके का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने जहाँ पर भी ये फ्री फायर गेम के एपीके फाइल को डाउनलोड कर रखा है आपको सिंपली यहाँ पर एपीके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ये फ्री फायर गेम के एपीके फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जो इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए फिर अब हम जो यहाँ पर गेम को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक गेम ओपन हो चुका है। तो चलिए फिर अब यहाँ पर ये परमिशन वगैरह मांग रहा है तो हम जो यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देते हैं एंड उसके बाद अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। तो चलिए फिर जब तक यहाँ पर ये गेम ओपन हो रहा है तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है एंड अब आप जो इसमें इजीली गेम को प्ले कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर गेम को प्ले करने से पहले आपको जो यहाँ पर इसकी की मैपिंग भी कर लेनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर कंट्रोल में जाना है एंड यहाँ से आपको इसकी कस्टम HUD को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक की मैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो है की मैपिंग ओपन हो जाएंगी। एंड अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको जो पहले से की मैपिंग मिल जाती है प्री इंस्टॉल, तो अब आप यहाँ पर जैसे मर्जी अपने हिसाब से की मैपिंग रखना चाहते हो आप जो यहाँ पर रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं जो यहाँ पर जल्दी से की मैपिंग कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आपको जो है ये माउस को लॉक अनलॉक करने वाला बटन भी मिल जाता है तो यहाँ पर आप जो कोई भी बटन ऐड कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पर कंट्रोल बटन को यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन को ऐड कर देता हूँ एंड उसके बाद की मैपिंग कर लेने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर जो है की मैपिंग सेव हो जाएंगी एंड अब आप जो इसमें इजिली गेम को प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा एंड अगर आपको यहाँ पर लैग वगैरह प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करना है कि आप यहाँ पर डिस्प्ले में जाना एंड यहाँ पर आप स्मूथ और नॉर्मल पर गेम को प्ले करना तो यहाँ पर जो है गेम लैग नहीं करेगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।